तो ये इधर से हम जब इधर एंटर कर रहे थे तो ये लेफ्ट साइड है, और मैं आपको तब बता सकता हूँ कि पूरे के पूरे फोर्ट के ऊपर ऊपर मैं सिर्फ फोर्ट के ऊपर 30 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको जितना जल्दी कवर हो सके उतना जल्दी करूँ, क्योंकि आई नो ज़्यादा बड़ी वीडियोज है किसी को भी देखने का शौक नहीं होता। अब मेरे को एक बात बताओ, इतने बढ़िया यहाँ पर कोहरा हो रहा है तो ये कोई उदयपुर के कोहरे से कम है क्या? मतलब ये देखो कितना कोहरा हो रहा है, और वैसे कुछ लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ही इरीटेटिंग लगती हो कि व्यू को ख़राब कर रहा है, पर इसके भी एक अलग ही मज़े है। ये वो बैक साइड है, मतलब वहाँ से और भी कुछ दिखाई दे रहा है। एट एवरी प्लेस यू गो इन दिस मॉन्यूमेंट यू विल एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, एंड अगेन दिस गोज फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। देखो ये आई थिंक दिस इज़ द एंड, इसके बाद वहाँ कुछ फॉरेस्ट वगैरह समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल चारों तरफ से खुला खुला सा लग रहा है, एंड दिस इज लाइक मतलब इतने ज़्यादा एंट्रेंसेज हैं इसमें, इतनी जगहों से देयर आर मैनी विश टू कम इनसाइड। ये इसका इनसाइड का या अभी आप यहाँ पर कुछ फोटोज भी खिंचवा सकते हो, एंड अभी भी धुआँ बिल्कुल कायम है। टाइम अभी हो रहा है इतना 11:12, तो इतने बजे तो कड़कती हुई धूप हो जाती है गर्मियों में, पर गर्मियों को सर्दी से कंपेयर नहीं कर सकते स्पेशली आगरा में। और एक और बात आप सोच रहे होगे कि भरतपुर से आगरा कितना दूर है जो इतनी जल्दी आ गया, मतलब मुश्किल से 20 किलोमीटर में। तो ऐसा ही मैं बता रहा था आपको कि राजस्थान का बिल्कुल जो कह सकते हो आप ईस्टर्न पार्ट है वो भरतपुर में आता है, तो बिल्कुल ही टच है, तो मतलब 20 किलोमीटर के अंदर ही आप जो है आगरा पहुंचोगे। और अगर आप भरतपुर से इधर की तरफ आ रहे हो यूपी की तरफ, तो सबसे पहले जो आएगा वो आगरा ही आएगा, तो दैट्स वन थिंग टू नो। तो ये इधर से हम जब इधर एंटर कर रहे थे तो ये लेफ्ट साइड है, और मैं आपको तब बता सकता हूँ कि पूरे के पूरे फोर्ट के ऊपर ऊपर मैं सिर्फ फोर्ट के ऊपर 30 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको जितना जल्दी कवर हो सके उतना जल्दी करूँ, क्योंकि आई नो ज़्यादा बड़ी वीडियोस है किसी को भी देखने का शौक नहीं होता। सो या ये यहाँ से है, और इवन इट कंटिन्यूस। ये देखो यार, मतलब यहाँ पर तो कुछ नेक्स्ट लेवल का ही फॉग हो रहा है। अब देखो आई एम जस्ट फीलिंग इट टू कन्वीनियंट टू व्लॉग ऑन आईफोन, क्योंकि मैं जूम भी कर सकता हूँ और एट द सेम टाइम मैं स्विच भी कर सकता हूँ। इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी टू कैरी टू। अब मेरे को एक बात बताओ, इतने बढ़िया यहाँ पर कोहरा हो रहा है तो ये कोई उदयपुर के कोहरे से कम है क्या? मतलब ये देखो कितना कोहरा हो रहा है, और वैसे कुछ लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ही इरीटेटिंग लगती हो कि व्यू को ख़राब कर रहा है, पर इसके भी एक अलग ही मज़े है। अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम अभी आ रहे थे रास्ते में तो वहाँ पर इतना कोहरा था कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था, तो वो भी एक चीज़ है। एंड जस्ट लुक एट दिस, मतलब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और बढ़ते जा रहा है ये जितना जितना दूर हम खुले खुले ओपन ओपन जगह में आए जा रहे। यहाँ से अंदर की तरफ एंट्रेंस ले रहे हैं हम, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये वो ही जगह जहाँ पर अभी तक हम खड़े हुए थे, दिस इज यहाँ से कूद नहीं सकता,
यार चल करके दिखाते हैं आपको एक बार, ये दूसरा साइड है और ये वो साइड, ये पीछे वाला साइड है भाई साहब। ये देखो तो ऐसा लग रहा है कि काफी पीछे है, क्योंकि कोहरे से आप कुछ लगा नहीं सकते अनुमान कितना बड़ा होगा ये। यहाँ पर लॉक लगाए में भी यहाँ अंदर नहीं जाने देते होंगे। ये है पूरा, सामने कुछ दिखाई तो दे रहा है पर इट इज क्वाइट लॉन्ग। वेरी बिग मॉन्यूमेंट नो, मतलब बहुत बड़ा है। गोज फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। आई थिंक यहाँ से भी कहीं अंदर जाने का कुछ ऑप्शन तो होगा, बट आई वुड नॉट पर्सनली गो, क्योंकि मेरे को हॉन्टेड प्लेस लग रही है। जस्ट किडिंग, बट जस्ट लुक कितना लंबा है ये। ये वो बैक साइड है, मतलब वहाँ से और भी कुछ दिखाई दे रहा है। एट एवरी प्लेस यू गो इन दिस मॉन्यूमेंट यू विल एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, एंड अगेन दिस गोज फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। देखो ये आई थिंक दिस इज द एंड, इसके बाद वहाँ कुछ फॉरेस्ट वगैरह समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। एंड काफ़ी ऊँची है, मतलब ये मैं आपको दीवार बताऊँ काफ़ी ऊँची है, मेरे गले तक आ रही है। तो सोचो जब ये टूटी होगी, मतलब लगी होगी, देखो उतनी ऊँची होगी है, उतनी ऊँची तो मतलब काफ़ी ऊँची होगी उस टाइम पर। ये तो मेरे को लग रहा है टूट टाट गई है, पर फिर भी ये कम से कम अबाउट टू बी 5 5 5 5 6 ऐसा कुछ है। एंड यहाँ से वो दीवार का कुछ व्यू दिखाई दे रहा है, देखो एक वो है और एक ही बिल्कुल ही अलग है। मतलब कितने लोग होते होंगे इस पूरे मॉन्यूमेंट में जो एक एक प्लेस को इतना खूबसूरती से बनाया गया है, मतलब कितने लोग होंगे। और जो राजा वगैरह हैं और उनके जो राजकुमार वगैरह होते होंगे उनको तो मतलब पता नहीं कितना कितना टाइम लग जाता होगा उनको एक एक जगह को अच्छे से, यू नो, एक एक जगह ढंग से स्टडी करना और मतलब एक एक जगह बैठना, बहुत बड़ा है यार मतलब ये। तो अभी तक हम यहाँ वाली साइड गए थे और ये वाली साइड गए थे, ये वाली साइड और ये वाली साइड पेंडिंग रह रही है। तो अभी हम पहले यह वाली साइड चल जा रहे हैं। एंड यहाँ से देखो ये एंट्रेंस है, तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पर सेल काउंटर है, यहाँ पर आप जो है एनुअल रिपोर्ट वगैरह वो सब ले सकते हो, जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो हिस्ट्री वगैरह पढ़ने में इसकी, ठीक। एंट्रेंस पे जा कर के आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वही पॉइंटेड वाली जगह है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था, जिसको अंदर वाला साइड है और ऐसा कुछ है। देखो अब यहाँ से इधर भी जा सकते हो, आप राइट साइड भी जा सकते हो, लेफ्ट, और वहाँ से तो हम एंटर ही हुए हैं। तो देखते हैं भाई, लेकिन जगह बहुत टाइम ले रही है, 2 घंटे का है सिर्फ, यानी कैसे कवर करेंगे यार। तो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप यहाँ पर भी बैठ करके देख सकते हो। और ये अगर आप गैस कर रहे हो कि ये क्या है, तो लेट मी टेल यू, दिस इज बेबी केयर एंड फीडिंग रूम। तो जो जेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर वेट करना है, और दिस इज ओनली मदर्स ओनली एंड वुमेन्स ओनली एरिया, सॉरी मदर्स।